लेकिन अब हम रह तो नहीं सकते ना पपियों और झपियों के बगैर। देखिए लेकिन अब हम रह तो नहीं सकते ना पपियों और झपियों के बगैर। देखिए क्लिप वायरल हुआ है, आपने भी देखा होगा, उस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? कुछ नहीं, वो वैसे ही उन्होंने वायरल किया हुआ है, नो पपियों नो झपियों, किया हुआ है नो पपियों नो झपियों, किया हुआ नो पपियों नो झपियों। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद भी पपियों झपियों कर ही रहे होंगे, वो खुद भी पपियों झपियों कर ही रहे होंगे। हम तो पिंडी से आए हैं, वहाँ तो मिले हैं, यहाँ तो नहीं, वहाँ मिले हैं, सबसे मिले हैं। हाँ जी सबसे मिले हैं। ना इतने पपियां होनियाँ ना जफियां होनियाँ। ये उन्होंने मजाक किया कैसी बना लिया? उन्होंने किया जनाब, हाँ जी उन्होंने किया। क्यों मजाक किया? हालांकि गवर्नमेंट के बंदे ने, एक अफसरान बंदे ने। हाँ जी बस उन्होंने जेब तो नहीं देता सी, लेकिन उन्होंने दे दिता है। ईद तो जफियां पपियां हुई ने, लाजमी हुई ने, जरूर साहब। देखो जी रिवायती ये करना चाहिए। हाँ जी हाँ। मुदस्सर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सर, और आप देख रहे हैं मुदस्सर की बातें। देखते हैं अगर सुनते कानों को मेरा सलाम। तो नाज़रीन आपको पता है गुज़श्ता ईद मुबारक मेरे सारे व्यूवर्स को वीडियो नहीं आ सकी 3 दिन से। आपको पता है SOPs के मुताबिक सारा पूरा लाहौर बंद था, ठीक है। तो आशिक वान जो फरदोस है जिन्होंने कहा था जी किसी से नहीं मिलना, ना पपियाँ होंगी ना जफियाँ होंगी, यहाँ पर आए हुए लोगों से पूछते हैं किन्होंने पपियाँ की हैं किन्होंने जफियाँ की हैं, ठीक है। मोटिवेट भी आपको करते हैं, एंटरटेन भी, मैंने कहा कि आज आपको किया जाए। तो चलते हैं वहाँ से उनका रिएक्शन लेते हैं कि ईद कैसी गुजरी उनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुना? आपको पता है वो एक क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ था फरदोस आशिक मान का, जी घर पे रहना है ना, ईद मिलन होगी ना पार्टियाँ होगी ना कुछ ना होगी, इस पे आप क्या कहेंगे? फिर ईद पे कहाँ रही हैं आप? ईद पे मैं अभी आउट ऑफ सिटी से आई हुई हूँ यहाँ पर लाहौर, लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ बंद। कहाँ से हैं? कहाँ से? मैं पिंडी से आई हूँ। पिंडी से? हाँ जी हम लोग पिंडी से आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ बंद है। ऊपर से यहाँ पर तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ के हालात भी कुछ मुझे अच्छे नहीं लगे। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ लाहौर। आखिर होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि ईद पे इनको खोलना चाहिए था। वैसे भी तो इन्होंने मार्केट्स खोली हुई थी, दिन के टाइम तो वैसे ही ओपन थी, इन्होंने सिर्फ कहा कि रात को मतलब बंद होगी मार्केट्स, और ईद के 3 दिन इन्होंने बंद कर दिया सब कुछ। वैसे भी तो रमज़ान पूरा करोना था, तो इन्होंने ईद पे ही मतलब इस तरह क्यों किया, ये है। लाहौर में आई हैं, कैसा लगा? लाहौर उस फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन उस तरह अच्छा नहीं लगा मुझे आके। अच्छा नहीं लगा? क्यों अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर वो किसी ने बात सही की हुई थी कि लोहरी रास्ता गलत बताते हैं, तो वाकई मैंने ये बात देखी, लोहरी वाकई रास्ता गलत बताते हैं। तो अभी अभी छोटे बच्चे शायद में भी कह रहे थे कि मोबाइल वगैरह ड्रॉप हुआ है, उसके बारे में? हाँ जी अभी हम यहाँ पर पार्क में आए हुए मीनारे पाकिस्तान वाले, तो यहाँ पर हमारा मोबाइल गिर गया या निकाल लिया किसी ने, अब ये नहीं पता, क्योंकि पॉकेट में था, बंद था, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने निकाल लिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कुछ नहीं कहूँगी कि बस इतनी दूर से माशाल्लाह गेस्ट आए हैं, पिंडी से हैं, सॉरी कह रहे थे पिंडी से आप आए हैं? आज नहीं आए, कल आए थे हम, कल आए थे, अब वापस जाएंगे। वैसे हमने रहना था 3-4 दिन रहना था। 3 दिन से आपको पता है पूरा लाहौर बंद है, मैं भी पिंडी भी बंद हो, हमें नहीं पता चीज़ का, होना क्या चाहिए था? नहीं 3 दिन तो चलो ठीक है, इतना भी नहीं है जितना इन लोगों ने प्रॉब्लम डाला हुआ है, ज़्यादा बोला हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं तो देख रही हूँ यहाँ तो सारे लोग जा रहे हैं घूम रहे हैं, लेकिन सिर्फ पार्क बंद है और मॉल बंद है, ये चीज़ें बंद की हुई हैं उन्होंने। ईद पे किसी को मिले हैं, गले मिले हैं? जो अभी वायरल क्लिप हुआ था ना, गले मिलना ना कुछ मिले, उधर अपने उधर मिले हैं, हम तो पिंडी से आए हैं, वहाँ तो मिले हैं, यहाँ तो नहीं, वहाँ मिले हैं, सबसे मिले हैं। हाँ जी सबसे मिले हैं। तो क्लिप वायरल हुआ है, आपने भी देखा होगा, उस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? कुछ नहीं, वो वैसे ही उन्होंने वायरल किया हुआ है, नो पपियाँ नो झपियाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद भी पपियाँ झपियाँ कर ही रहे होंगे। लेकिन देखे ना, वो एक सेलिब्रिटी है, उन्हें हर बंदा जानता है, कोई लोकल पर्सन नहीं है? नहीं वो वैसे ही उन्होंने कहा है, क्योंकि अब लोग इतने, तो एहतियात ज़रूरी है ये बात है, लेकिन अब हम रह तो नहीं सकते ना पपियों और झपियों के बगैर। लेकिन अब हम रह तो नहीं सकते ना पपियों और झपियों के बगैर। लेकिन अब हम रह तो नहीं सकते ना पपियों और झपियों के बगैर। देखिए जहाँ पे हमारे हुकूमत, हमारे जो अफसरान बड़े आते अफसरान है, वो इसको लोगों ने मजाक बना लिया, उन्होंने मजाक किया? नहीं बनाया तो लोगों ने ही, मजाक है, लेकिन उन्होंने मजाक के सेंस में ही कहा, जिस तरह उन्होंने बोला था ना, तो यही लग रहा था कि वो मजाक में ही कह रही है कि नो पपियां नो झपियां। आपने मजाक बनाया, हमने बना? नहीं लोगों ने बना लिया। लोगों ने? हाँ जी लोगों ने बना लिया। सीरियस कहा है? नहीं उन्होंने तो इसलिए कह दिया ना कि भाई जैसे मैं बोल नहीं सकती वो लफ्ज, लेकिन ये है कि उन्होंने सही बोला है, आगे से लोगों ने मजाक बना दिया है कि पपियां और नो झपियां, ये पता नहीं क्या इस तरह कुछ। आपने देखा माशाल्लाह हमारे पास बड़े प्यारे गेस्ट हैं, पिंडी से आए हुए हैं लाहौर में, आज ठीक है जनाब आग में मोबाइल भी चोरी हो गया, ड्रॉप हो गया, पता नहीं है लाहौर ये रास्ता गलत बनाते हैं, आज कन्फर्म हो गया, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं लाहौर का रहशी हूँ, लेकिन उन्होंने बड़ा एक्सक्यूज़ किया कि जी हमें अच्छा नहीं लगा, तो क्योंकि लास्ट मैसेज दें हमारी ऑडियंस को, लाहौर अच्छा है। हाँ लाहौर अच्छा। आप
अच्छा मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस जा रहा है। मैंने जैसा सोचा था ना लाहौर के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि लाहौरी वैसे हैं और लाहौर वैसा है। नाजिन बहुत शुक्रिया। पिंडी है बाबा जी, पिंडी बाबा जी, पिंडी है। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अफसरू? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ते की नाम है अपना? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक भाई, आशिक मान का पता है? फरदोज आशिक। जी जी पता। उन्हें एक क्लिप बड़ा वायरल होया जी, ना ईद ते पप्पियां होनगियां ना जफ्फियां होनगियां, ये उन्होंने मजाक किया कि असीं बना लिया। उन्होंने किया जनाब। हाँ जी उन्होंने किया। क्यों मजाक किया? हालांकि गवर्नमेंट के बंदे ने, एक अफसरान बंदे ने। हाँ जी, वो बस उन्होंने जेब तो नहीं देंदा सी, लेकिन उन्होंने दे दिता है। ईद ते जफ्फियां पप्पियां हुई ने, लाजमी हुई ने। जरूर साहब। देखो जी, रिवायती ये करना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तुसी सर की कहंदे हो? की नाम सजाद अहमद। सजाद भाई माशाल्लाह, आप ते तुसी की कहना चाहंदे हो कि आया के जेड़ा पप्पियां जफ्फियां दा सवाल कीता गया, ये सही है? नहीं सही तो नहीं है। पाकिस्तानी आवाम ने मजाक बनाया कि उन्होंने बनाया? उन्होंने मजाक बनाया। की कहना चाहंदे हो इस मजाक ते? असल के ये मजाक ठीक बन गया है कि नहीं बनया? नहीं मजाक अच्छा बन गया है। तुसी कोई ईद ते जफ्फियां पप्पियां कोई सेटअप ऐसा? नहीं 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 नहीं। सो माशाल्लाह गुड लुकिंग हो, सोने हो सारा सेटअप। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं कहदी। ये नहीं होना, ईद मिलन नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, मिलन ईद मिलन होनी चाहिए। तुसी दसो जी भाई, तो बड़े शर्मा रहे ने। मैं तो अगे दस दिता भाई जी, ना होनी चाहिए है। हां ते पप्पियां जफ्फियां होनी चाहिए, होनी चाहिए ने। कितों कौन तुसी? कितों दे हो? चनियोट। माशाल्लाह देखो जी, चनियोट तो भाई साहब तो तशरीफ फरमाए ने, साढ़े मेहमान ने, गैसट ने। पप्पियां जफ्फियां होनी चाहिए ने।